हेलो गाइज, क्योर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया कंट्री के बारे में। जानेंगे कि मलेशिया जो एक कंट्री है, इसके क्या अभी तक के रहस्य हैं और इसके इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको मलेशिया कंट्री के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो समय को ज़्यादा न गंवाते हुए वीडियो आज का शुरू करते हैं। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक ट्रॉपिकल देश है। यह दक्षिण चीन सागर से दो भागों में बटा हुआ है। मलय पेनिनसुला पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर मलक्का स्ट्रेट्स और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। देश का दूसरा हिस्सा, जिसे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर स्थित है। मलय पेनिनसुला पर स्थित क्वालालंपुरम देश की राजधानी है, लेकिन हाल ही में संघीय राजधानी को खास तौर से प्रशासन के लिए बनाए गए शहर पुत्रजया में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय राज्य है। मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 130 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है, यानी 130 बोलियाँ इस देश में बोली जाती है। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्नियो में और 40 पेनिनसुला में बोली जाती है, यानी 94 मलेशिया बोर्नियो में और 40 पेनिनसुलर में बोली जाती है। यद्यपि देश सरकारी धर्म इस्लाम है, लेकिन नागरिकों को अन्य धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा हम आपको मलेशिया के बारे में 25 ऐसी खास बातों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। मलेशिया के रोचक तथ्य के बारे में अगर बात करें तो पहला तथ्य यह है, मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती है, वही 300 से 400 टीवी सीरियल बनते हैं। पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। दूसरा, यहाँ की महज 0.85% आबादी ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करती है। तीसरा, यहाँ 14,500 किस्सों के पेड़ पौधे और फूलों की प्रजातियाँ मिलती है, वही 200 प्रकार के स्तनपायी, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार की चिड़ियाँ, जबकि छिपकलियों की 60 प्रजातियाँ भी मिलती हैं। चौथा, यहाँ का सिपादान द्वीप दुनिया का सबसे शानदार डाइविंग स्पॉट है। पांचवा, मलेशिया के कोटा बारू में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी आर्मी उतरी थी, वहाँ से सिंगापुर पहुँचने में जापानी आर्मी को बाइकों से 45 दिन लग गए थे। छठा, क्वालालंपुरम का क्वालालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। सातवां, पिनांग का सेंट जॉर्ज चर्च में 1818 में बना था, ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना चर्च है। आठवां, मलेशिया में पहली रेल अंग्रेजों ने सन 1885 में चलाई थी, जो बेल्ड बंदरगाह अब कुआला सेप्तांग और टाइपिंग के बीच चली थी। नौवां, दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप मलेशिया में पकड़ा गया था, तब उसकी लंबाई 5.54 मीटर थी। इसे बाद में लंदन ले जाया गया, जहां इसकी लंबाई बढ़कर 5.71 मीटर हो गई थी। दसवां, यहां का पिनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है, इसकी लंबाई
13.7 किलोमीटर है। 11वां, यहाँ का सुनगई बेबी एयरपोर्ट अब देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। 12वां, मलेशिया के मैपिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट ने सुल्तान अब्दुल समद क्लॉक टावर की रिपेयरिंग में 108 साल लगा दिए थे। 13वां, यहाँ स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। मलय नेता तुनकु अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आज़ादी की अगुवाई की। यहाँ सन 1962 में 21 से 28 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 2 साल के सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 4वां, यहाँ तुन की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। एक समय में मलेशिया में 25 तुन ही रह सकते हैं। जीवित अवस्था में किसी एक की मृत्यु के उपरांत ही तुन की उपाधि किसी अन्य को दी जाती है। 15वां, यहाँ में श्वसन संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। मलेशिया और कतर में श्वसन संबंधी रोगों से प्रति 1 लाख में महज 7.5 मौतें होती है। 16वां, यहाँ तक तांजुंग पियाई एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर है। 17वां, रेफ्लेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सवाह में होता है। 18वां, मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज 16 सितंबर 1963 को अपनाया गया। इसकी डिजाइन मोहम्मद हमजा ने बनाई थी। हमजा की उम्र उस समय महज 28 साल थी और वो PWD में काम करते थे। 19वां, यहाँ 65,877 किलो मीटर लंबे हाईवे हैं जो धरती की परिधि से 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 20वां, मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई। फिल्म का नाम था लैला मजनू। 21वां, यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। यहाँ प्रति किलोमीटर में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। 22वां, मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा मिला है जो 15 सेंटीमीटर का है। 23वां, यहाँ के पिनांग में स्थित पिनांग फ्री स्कूल दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। 24वां, नासी कंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। 25वां और आखिरी, यहाँ मिलने वाले विंटेगौर पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर HIV 1991 में मिला पैराक मैन संसार का सबसे पुराना लगभग 11,000 साल पुराना और प्रायद्वीपीय मलेशिया में पाए जाने वाले एकमात्र पूर्ण मानव कंकाल है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मलेशिया कंट्री के बारे में मैंने बहुत ही रोचक बातें आपको बतलाई। और मलेशिया एक ऐसा देश है जो कि एक बहुत ही स्वस्थ और कहा जाए तो यह नेचुरल देश माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत सारा लाता रहूँ। और मुझे कमेंट कर मुझे बतलाएँ कि आपको किस तरह की टॉपिक के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, तो मैं अगला बार में जरूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।